नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको जिस रेसिपी के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है गोभी मंचूरियन। तो चलिए बनाते हैं गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है वो इस प्रकार है। ये गोभी है छोटे टुकड़ों में कटी हुई, ये मैदा है, ये करीब 1 कप मैदा है और आधा कप से थोड़ा कम ये कॉर्नफ्लोर है, ये नमक है, जीरा है, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये कटी हुई प्याज है, ये हरी धनिया की पत्ती है, ये स्प्रिंग ऑनियन है और ये एक हरी मिर्च है छोटे टुकड़ों में कटी हुई, ये लहसुन है छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, ये शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, ये टोमेटो केचप है, ये रेड चिली सॉस है, ये सोया सॉस है, ये ग्रीन चिली सॉस है और ये विनेगर है। सबसे पहले हम गोभी के टुकड़ों को गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे ताकि इसकी इम्प्योरिटी खत्म हो जाए। तो ये हमने पानी लिया है, गर्म पानी में हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इन बॉइल्ड गोभियों को छान लेंगे, इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे ऊपर से। अब हम मैदे और कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेंगे और इसमें इन बारीक कटी हुई गोभियों को डालकर हम डीप फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और जरा सा इसमें हम सोया सॉस मिलाएंगे। अब इसको हम अच्छे से घोल के अच्छे से घोलेंगे इसको इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे हम पकौड़ी तलते हैं ठीक उसी प्रकार का होना चाहिए, ना अधिक पतला और ना बहुत गाढ़ा। हमने घोल में गोभियों को डाल के मिक्स किया है इस तरीके से। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। अब हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गोभियों को फ्राई करेंगे। हमने गोभियों को डाल दिया है और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। अब हमारी गोभियाँ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पक गई हैं, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ठीक इसी तरीके से बाकी सारी गोभियों को भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। अब हम मंचूरियन बनाने के लिए एक फ्राई पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के चढ़ाते हैं। सबसे पहले इसमें हम जीरा डालेंगे, फिर इसमें हम कटे हुए लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डाला हमने, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, प्याज डालेंगे, और ये इसमें ऑनियन डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा बचा के रखेंगे बाद में गार्निश करने के लिए।
इसमें हम रेड चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस भी डालेंगे, विनेगर डालेंगे, अब हम इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे और सोया सॉस डालेंगे। इसके बाद हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और ये रेड चिली पाउडर, अंदाज से इसमें हम नमक डालेंगे, और इसमें हमारा जो घोल बना था उसको हमने पतला कर लिया है मैदे और कॉर्नफ्लोर का, उसको हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर तक हम इसको पकाएंगे। कुछ देर पकने के बाद इस घोल में हम अपनी गोभियों को डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारी गोभी मंचूरियन अच्छे से पक चुकी है और इसको हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। स्प्रिंग ऑनियन से थोड़ा गार्निश करेंगे और थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे। तो लीजिए, हमारी गोभी मंचूरियन पक्के तैयार है। ये सभी को पसंद आती है और बहुत कम समय में बन भी जाती है, और आप इसे चाउमीन के साथ खा सकते हैं, फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।